सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रफ एंड टफ राइडर इन एटलेट बाइक। और आज अपाची आरटीआर 160 जो है ना उसमें मैं मॉडिफाइड करना हूं, जैसे ये एलाइविल कलर प्लस और इसमें क्या क्या सामान लगा रहा हूं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अपाची आरटीआर जो है अपना ये ओल्ड मॉडल है ये वाला है, और इसमें क्रैश गार्ड एक लगेगा आपका प्लस और क्या क्या सामान है मैं दिखा दूँ। पहले तो ये ग्रिप हमने लगाने वाले हैं, ग्रीन कलर का ये ग्रिप आ गया हमारा, प्लस रिफ्लेक्टर लाइट है इसमें डबल कलर आ जाता है, और ब्रेक से भी और चाबी ऑन पे भी चलता है। ये चारों इंडिकेटर ये हम लगाने वाले हैं जो डबल कलर का आ जाता है, इसमें आपको रेड एंड येलो प्लस सिमटेक का हैजार्ड है ये जो लगाने वाले, ये देख सकते हो एक साल की फुल गारंटी के साथ ही आ जाता है। तो इसके इसमें जो है क्रैश गार्ड भी जो लगने वाला है देख सकते हो, हमारे पास बहुत सारे मॉडल सब बाइकों का क्रैश गार्ड मिल जाता है। इसी में से एक जो अपाची का होगा प्लग एंड प्ले सिस्टम वो हम क्रैश गार्ड लगाएंगे, और एलाइविल का जो कलर हो रहा है ग्रीन कलर, और पूरी डेकल किट जो हम बना रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डेकल किट लगा रहा हूँ। ये लाइविल हमारा खुल चुका है देख सकते हो, पेंट वगैरह तो पहले से कंपनी वाला जो है हट गया, इस किस कारण मैं भाई ग्रीन कलर का पेंट करवा रहा हूँ। और इसमें जो है ना डेकल किट कैसा बनने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा बनाना है। जो अपाची हमारी बनने वाली है कुछ ऐसा बनने वाला है, ये देख सकते हो आप बिल्कुल सेम डिटो ऐसे ही बनेगा। ये हमारा नेट से हमने निकाला है और ऐसे ही हमारा बिल्कुल बनाना है, जो 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 आपका जैसे जैसा डिजाइन है वैसे ही बन जाएगा। ये फाइनली प्लेट वगैरह भी खुल चुका है एलाइविल का, पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं जैसे जैसे काम चल रहा है वैसे मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहे और पूरी फुल वीडियो देख के जाए कि आपको भी आइडिया लग जाए कि क्या क्या मॉडिफाइड कराना चाहिए कैसे कराना चाहिए। सो गाइज अपने आरटीआर है पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या मॉडिफाइड किया है बहुत ही बेहतरीन। ये देख सकते हो ग्राफिक्स के साथ और कलर के साथ क्रैश गार्ड लग गया, प्लस एक चीज़ मैंने जो लगाया है नया चीज़ जो DRL जो ये देख सकते हो मल्टी कलर में है, इसमें आपको रिमोट से कलर सारे मिल जाते हैं। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे आपका ये आपने लगाया है। पहले ये देख सकते हो आपको रेड कलर चाहिए तो आप रेड भी रख सकते हो, आपके ऊपर ऑप्शन है। ये ग्रीन चाहिए तो ये लो ग्रीन कर सकते हो आप, ग्रीन भी हो गया आपका। ब्लू चाहिए तो ये लो ब्लू भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, जो दिल करे वो आप अपना कलर पार्किंग का रख सकते हो। अगर मल्टी चाहिए तो आपके पास मल्टी का भी ऑप्शन है, ये देख सकते हो आप मल्टी भी रख सकते हो, सारे कलर आपके पास अवेलेबल है। फ्लैशिंग आ गया है जो आपको फ्लैशिंग भी मिल जाएगा आपको, इसमें सारे पैटर्न आपको जो दिल करे वो आप रख सकते हो आप। ये हमारा मल्टी आ गया, ये देख सकते हो पूरे जो दिल करे वो अपना इसमें सारे पैटर्न आपको जो इच्छा करे आप चला सकते हो। ये पार्किंग का ये देख सकते हो नया चीज़, और इसके साथ हमने किया पहले आप ग्राफिक्स वगैरह वो भी मैं दिखा दूं। ये पहले ब्लैक करके और हमने पूरी ग्राफिक्स ऐसा डिजाइनिंग वगैरह किया, ये देख सकते हो TBS अपाची का ये पूरा आगा फ्रंट वाइजर सब पूरा टोटली हमने डिजाइनिंग वगैरह करके ये पूरा ओके किया है देख सकते हो आप। सो ये अपना ग्राफिक्स का आपने देख लिया, ये जो भी किया उसके साथ हमने किया सीट मॉडिफाइड जो देख सकते हो, कलर अपना डबल कलर में ब्लैक एंड हल्का सा ग्रे कलर का आ जाता है, ये कुछ अलग यूनिक सा इससे कलर आ जाता है। इसके साथ हमने लगाया इंडिकेटर जो आपको डबल कलर में आ जाता है, ये देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस वगैरह रेड एंड येलो दोनों साइड में आपका इंडिकेटर आ जाता है, चारों इंडिकेटर हमने चेंज किया है। इसके साथ हमने लगाया रिफ्लेक्टर लाइट, ये देख सकते हो आपको ब्लू एंड रेड, अगर आप ब्रेक लेते हो तो आपको रिफ्लेक्टर आपको ब्लिंक करने लगेगा, और ब्रेक छोड़ते हो तो आपको रनिंग में ये चलने लगेगा, ये देख सकते हो आपको ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ हमने लाइविल जो कलर किया है देख सकते हो ग्रीन कलर, जो हमारा निंजा का बिल्कुल मैच करता हुआ ये हमारा जो आ गया ये देख सकते हो। दूसरा आप फ्रंट का भी देख सकते हो, दोनों हमने अराइविल का कलर किया है आपका पूरा मैच करता हुआ। इसके साथ हमने लगाया सिमटेक का हैजार्ड, जो मैं आपको ऑन कर दूँ कैसे ऑन होता है, जैसे ये लेफ्ट राइट सेंटर करोगे हमारा हैजार्ड ऑन हो जाता है, ये आपका हैजार्ड ऑन हो गया। इसमें 40 पैटर्न है, जो पैटर्न आपको पसंद है वो आप लॉक करके आप चला सकते, जो पैटर्न आपको चाहिए वो चला सकते हो। इसके साथ हमने ग्रीन कलर का आपका ग्रिप भी लगाया, जो एक्सीलेटर जो ऐसे पाम वाले ही आ गया, जैसे लंबे रूट पे जाते हो तो पाम का काम करता है, जैसे आपका जैसे पहले ये जैसे लंबे रूट पे जाने पे है ना थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई कैसे पकड़े हम, वैसे ही इसमें पाम का पूरा काम कर जाता है और लंबे रूट पे आप जा सकते हो। ये था हमारा जैसे अपाची का मॉडिफाइड, और हमने इसमें नेक्स्ट जो लगाया ADB क्रैश गार्ड, जो आपको चार स्लाइडर के साथ आ जाता है और प्लग एंड प्ले सिस्टम आ जाता है, ये देख सकते हैं एक यहाँ पे फिटिंग है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, पूरी प्लग एंड प्ले सिस्टम है, और इससे हमारा जो है टंकी बिल्कुल सेफ हो जाता है, और टंकी के बाद आपको जो है आपका पैर भी बिल्कुल सही सलामत रह जाता है, बाइक में कभी गिरता है तो, और इससे हमारा बाइक भी हैवी हो जाता है क्रैश गार्ड से, ये देख सकते हो आप। ये था हमारा अपाची का जो हमने मॉडिफाइड किया है, और भी कुछ नया चीज़ कराना हो तो मेरे शॉप पे आके करा सकते हो, चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे कोई भी स्कूटी हो, चाहे कुछ भी हो,
निंजा से लेके आपको अपाची से लेके स्प्लेंडर तक कोई भी बाइक आप लाके मॉडिफाइड करा सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ। बाय बाय।